सत श्री अकाल दोस्तों, पिंड विचों पिंड विच मैं जस्सी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। अज असी आप पहुंचे हाँ पिंड कनेच, जो कि जिला लुधियाने विच पैंदा है। तो अज असी इस प्रोग्राम के फॉरमैट नूं थोड़ा जिहा बदल रहे हैं। कहिंदे ने कि अगर कोई भी आर्टिस्ट अपने किसी भी काम की शुरुआत बुजुर्गों का नाम लैके बुजुर्गों का आशीर्वाद लैके करता है, उन्हें इतिहास के पन्नों तो कभी भी निस्तनबूर नहीं किया जा सकता। तो यही डिमांड साढ़े अज के आर्टिस्ट की सी। वो चाहते थे कि असी अज इस प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने बुजुर्गों की समाधा तो करिए। तो आओ मुलाकात करते हैं क्रिकेटर एक्टर ऑलराउंडर योगराज सिंह दे नाल। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू वेरी मच। योगराज जी, बहुत ही चंगी सोच ते बहुत ही वखरी जी तरीके दे नाल असी अज अपने इस एपीसोड का आगाज कर रहे हैं। ऑल थैंक्स टू यू। जिंदगी च किसी ने कहा सी कि तेरे को की है, मेरे को दौलत है, मेरे को जगीरा है, मेरे को पैसा है, मेरे को फलाना है। तो जब मैनू कोई ऐसी गल कहता, मैं उन्होंने कहना मेरे को मेरे बुजुर्गों की याद है। क्या बात है। बुजुर्गों का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो रब है, खुदा है, देवी देवते ने। तो मेरे को यही दौलत है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी साह है। मैं जो है अज ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एडे वे खानदान पैदा होया, एडे वे माँ बाप के घर पैदा होया, एडे महान पिंड च पैदा होया जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह मार्ग कहा जाता। तो मैं अपने आप में यह भी बड़ा वडभागा समझदा कि मैं सिखी च जन्म लिया और यहोजे सिखी घर के जन्म लिया जो कि गुरुआ साहब न जुड़े हुए दसवें पातशाह। जो मैं आ रही थी, मैं वेख्या थोड़े पिंड का दरवाजा, बहुत सोहना दरवाजा से, तुम मैं विखा भी रहे थे वो दरवाजा। वो बारे भी कुछ दसो, इस तो पहला कि असी बुजुर्गों की समाधा के बारे गल करिए। एक्चुअली की है कि मेरा ख्याल गुरु साहब जिथे जिथे भी गए ने उत्थे उत्थे उन्होंने याद बनी है। जिथे जिथे उन्होंने पैर पाया उत्थे गुरुद्वारे बन गए। अगे पिंड च गुरुद्वारा हैगा जिथे गुरु साहब ने स्नान किया। इत्थे दी एक बड़ी इतिहासिक गल है कि इत्थे जिहड़े मरासी हुंदे सी उन्होंने जब गुरु साहब गए ने अपने माछीवाड़े जंगलों च, तो उन्होंने मरासिया चो गुरु साहब न एक जिन्होंने आप टट्टू कहने एक छोटा घोड़ा खोते टाइप वो दिता। उन्होंने खानदान की कोला वो मेरे फादर की भैन बन के रही जी। सारी जिंदगी मेरे फादर को रही, उन्हें विह भी नहीं कराया, उन्होंने ब्रदर भी मेरे फादर को रहे। मैं कई बार अपने दिल च सोचा कि मैं पिंड क्यों नहीं रहा, मैं पिंड क्यों नहीं रह सकया। शहर च जाके एक झूठी जिंदगी थोड़ी लगती है, पर जब जब भी मैं इतने पैर पाए इस धरती से, स्पैशली जब मैं अपने बुजुर्गों को रहा, तो मैनू ए लगता भी मेरे बुजुर्ग इतने है ही ने। सारा पिंड खड़ा है, साढ़े भरा खड़े ने, सज्जन खड़े ने। सो जब जब भी मैं पिंड आया, मैं हमेशा महसूस होया कि मेरी जिंदगी काश इतनी होंगी और मैं इतने जिंदा इतने मरदा। पर अपने अपने लेख ने जिम्मे रब ने लिखे। अच्छा योगराज जी, ए बुजुर्गों की समाधा ने कुछ ये बारे दसो मैं, इतने आते रहते हो तुम ज्यादातर? मैं थोड़ा जा पिछोकड़ बारे थोड़ा गल दसना चाहूंगा। भाई जोगा सिंह होनी जेडे दसवें पातशाह को रहे ने, उन्होंने दो सपुत्र से बाबा खड़क सिंह ते बाबा जोरावर सिंह। मैं बाबा खड़क सिंह होना दी ब्लड लाइन चुना, तो सतमी पुश्त और फिर उन्होंने तो गह जी चलती है जी। ये मेरे दादा जी ने सरदार गया, मेरे फादर सरदार भाग सिंह, मेरे पूजनी माता जी माता गुरनाम कौर जी, मेरे भूआ जी, मेरे चाचे, मेरे ताए, इधर सारा परिवार इत्थे है। बेसिकली क्योंकि वह पेशावर दे सी, तो जिहड़ियां तीन पुश्तां हैगियां ने बाबा खड़क सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, वह पेशावर च अज भी इस तरह ही है। अच्छा। उन्होंने बड़ियां संभाल के रखियां इतिहासिक चीज़ां। सो मैं समझदा ये लोगों वास्ते समाध हो सकती है, मेरे वास्ते मेरे बुजुर्ग ने साक्षात ने इन्हों का आशीर्वाद है। और मैं जद जद भी पिंड आया सब तो पहला मैं ये शायद थोड़ा पत्थर लगता हो, पर जब मैं इतने खड़के देखता तो मैं ऐ लगता मेरी माँ, ये मेरे पिता जी ने, ये मेरा वो रूप है या मैं इस जीन्स का रूप हाँ। और मैं नमस्कार करता सारे हाथ जोड़ के, क्योंकि किसी वास्ते कुछ सलाह बन सकती है, किसी वास्ते कुछ चीज़ बन सकती है। मेरे वास्ते एक जिंदी जागती जब गुरु ग्रंथ साहब आप कहने प्रगट गुरु की दे, तो ये मेरे बुजुर्गों की प्रगट दे है जिन्हों मैं समझदा कि खुशी इस गल की कि पिंड वाले ने बड़ा संभाल के रखे है, बड़ा
बीबा जी सब तो वड्डी गल तो है कि सब तेरी वड्याई कोई ना ना जाने। मैं जदा पैदा होया मेरी मदर ने कहा बी राले आले संत कहंदे सी वी तेनू असी बाबा दीप सिंह जी का सिंह दिया, क्योंकि मैं बहुत लेट पैदा होया। मेरे फादर 72 साल के सी, माँ मेरी उदो 30-35 साल की सी, ते बच्चा नहीं सी करे हो सकता। फिर राले आले संतां ने कहा सी वी बाबा दीप सिंह दा खास खास पुत्र तेनू देंगे। तो शुरू तो मेरी माँ ने मैं गल सुनाई, मेरा लगाव रब वल, खुदा वल, देवी देवत्या वल। पर जो कुछ भी मिले, जो कुछ मैं अज है, वो क्या बात है, ये बुजुर्ग ते खुदा ते पीर पैगंबर। इस पर मैं बड़ा सुकून महसूस करता अपने आप च कि मैनू इन्हां दी याद हमेशा मेरे दिल च रहिंदी है। जब मैं दुनिया च जावां ते मेरे फादर मैनू कहंदे सी सारियां फोटोआं क्यों लाईआं बुजुर्गां दीआं, मेरे घरे 7 पुश्तां लगीआं। ते मैं कहिंदा तुसी दस्सो, कहिंदे फोटोआं इह कहिंदीआं ने कि तूं इहो जिहे कर्म करी, तूं इहो जिहे कर्म करी कि तेरी फोटो इन्हां फोटोआं दे नाल लगनी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं ऐसे कर्म करा, मेरा पुत्र ऐसे कर्म करे, मेरे ऐसे परिवार काम करे कि मेरी समाध इत्थे बनन योगी हो, कि मैं इहदे नाल रह सकां। ए सोच ही काफी है युगराज जी, ते बहुत चंगे तरीके दे नाल असीं अज इस प्रोग्राम दा आगाज कीता। ते हुण इस तो बाद तुसीं मैनूं कित्थे लैके जा रहे हो अपने? ये पिंड एडा वड्डा है कि जे आपां 10 दिन भी इत्थे घूमते रहिए तो तुहानूं बहुत कुछ मिलेगा। मैं तुहानूं शेर शाह सूरी दी दिखाना बौड़ी, ठीक है जी, जिथे किसे टाइम पानी हुंदा सी, हुण पानी उत्थे सुक गया जी। अज जिन्नियां सड़कां बणाईआं ने शेर शाह सूरी मार्ग ही कहाउंदियां सी जी, नाम बदलते खैर जी जी। तो मैं तुहानूं दिखाउणा जाके, क्योंकि बड़ी इतिहासिक चीज, इत्थे घोड़े पानी पींदे सी मुगलां दे टाइम दीआं। सो मेरा ख्याल आप उत्थे चलिए तां जी, बहुत ही दिलचस्प एपिसोड होण वाला है अज दा। ते आओ फिर युगराज सिंह जी दे पिंड दी सैर करदे आ, अगे वधदे आ। बट एक छोटे जे ब्रेक तो बाद तुसीं किते नहीं जाना, वेखदे रहना पिंडा विचों पिंड। छोटे जिहे ब्रेक तो बाद पिंडां विचों पिंड विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। ते अज असीं पिंड दी सैर कर रहे हां योगराज सिंह जी दे नाल, ते बहुत ही खूबसूरत जगह सानूं लै के आए ने। ते जानदे हां कि आ जगह की है ते इहदा की इतिहास है। इह बीबा जी शेर शाह सूरी दे टाइम दी बॉडी है जी, उहनूं बॉडी कहिंदे आ। बॉडी इक मतलब हुंदी पाणी पीण दी जगह, रेस्ट करन दी जगह, पंजाबी च उहनूं बॉडी कहा जांदा सी। हुण बीबा जी तुसीं आ पिपल देखो है जी, इहनां दीआं जड़ां जिहड़ियां ने पूरीआं धरती दे ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਏ ਲੋਏ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੂਤ ਦੇਖਣਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭੂਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗ ਸੇਕਿਆ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਕੁੱਕੀ ਹੋਣੀ, ਬਿੱਲੂ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਕੁੱਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਏਅਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਭੂਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੰਨੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?
वैसे सवाल मैनू बीबा जी बहुत सारे लोगों ने मैंने पूछा पता है है। तुम एक्टर हो, बड़े कमाल नहीं दे एक्टर भी हो। मैं एक्चुअली इंग्लिश स्कूल पढ़ रहा, मेरे हाँ। बुजुर्गों ने आयरिश स्कूल पढ़ाया जिथे ना पंजाबी सी ना हिंदी सी, पर मेरे माता जी का प्रताप है कि साढ़े घरे ग्रंथ साहब का प्रकाश सी, ते मेरे माता जी ने मैनू पंजाबी ग्रंथ साहब तो सिखाई, गोद च बिठा के उन्होंने पंजाबी पढ़नी सिखाउनी, पाठ करना चौपाई साहब का पाठ ते ग्रंथ साहब, तो मैं समझदा मेरी माँ दी देन है कि पंजाबी जी रही है, मैं वो अपनी माँ की गोद चो सीखी है। और मैं इस गल का बड़ा फकर है कि जे अज मैं मैनू पंजाबी ना आती होंगी या मैं पंजाबी ठीक तरह ना बोलता हों तो शायद मैं बड़ी शर्म आती कि मैं पंजाब च पैदा हो गया जिथे पंजाब का मैनू थम कहा जाता है, बट ये मेरी माँ की मैनू देन है। तो बड़ा कई बार अजीब जहा लगता है, मैं सारे कहते हैं भाई तुम पंजाबी इदा की बोलते हो जिदा शायद कोई भी नहीं बोल। अच्छा योगराज जी, क्रिकेटिंग तुहाडा फर्स्ट लव है, पहला इश्क तुहाडा क्रिकेट है, सारा नु पता है कि इस तो इलावा भी कुछ होर है? पहला इश्क मेरा खुदा दे नाल, खुदा दे नाल। पहला इश्क मेरा बाबा दीप सिंह दे नाल, ओके पहला इश्क मेरा देवी देवतियां दे नाल है, ते ओके पहला इश्क मेरा पीर पैगंबरां दे नाल है। क्या उस बात तो है। अलावा जो कुछ है वो सेकेंडरी है, ठीक बेशक है। वो क्रिकेट है, बेशक वो फिल्म इंडस्ट्री है, हाँ बेशक वो मेरी फैमिली है, बेशक हाँ वो मेरे बच्चे ने, मेरे दोस्त है या दुनियादारी है या रिश्तेदार ने, वो सब सेकेंडरी है। मेरा इश्क खुदा दे नाल है, ते मैं कमली यार दी कमली इश्क तेरे ने मैनू कमली क्या बात कीता। है। ये बचपन तो मैं घुंगरू पा के नचदा हुंदा सी, मेरी माँ ने कहना भी आह की गल है, अच्छा प्यो ने कहना भी ये मरासी कितों जम पे साडे घरे। ते मैं अज भी जब दसरो साहब की मैं कैसेट लाउना ते अल्लाह ही अल्लाह की गल पा के नचदा, मेरा शौक है। सो इश्क मेरा जिहड़ा है वो मेरा खुदा दे नाल। ते खुदा तो बाद क्रिकेट आंदा है। क्रिकेट है, फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन हाँ क्रिकेट का मैनू एक तुसीं गल पूछी है हाँ तो मैनू ये जिंदगी दे विच एक जो मेरे बड़ी डूंगी दिल दी गल फसी है। जी वैसे तो कहिंदे गल कहनी नहीं चाहिए, रब जे कोल होके सुन लिया तुहानू जन्म दुबारा लेना पवेगा, पर क्रिकेट का एक जख्म है जिहड़ा जिंदगी दे विच मेरा हमेशा हरा रहा है। बेशक जी भी बहुत क्रिकेट खेल गया, अपना नाम कमा लिया, पर मैं कई वारी रब नू कहिंदा सी वी मैनू दुबारा पैदा कर, यही शक्ल दे, यही नाम दे, मैं क्रिकेट दे विच ओह कुछ करना चाहुंदा जो जिंदगी च मैं नहीं नहीं कर किया। सकता। पर मैं समझदा भी रब तो हर एक चीज नहीं मंगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इन्ना कुछ दिता है कि बंदा शुकराना ही करे तो बहुत वड्डी गल है। ते इस करके देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए। ते मैं ते कदे भी जिंदगी च महसूस ही नहीं कर सकता भी मैं रब तो होर की मंगा। सो क्रिकेट यस एक चीज मेरी जिंदगी च कमी है, मैं महसूस करदा। ते तुहाडे करियर बारे, तुहाडी पर्सनल लाइफ बारे, क्रिकेट बारे, फिल्मां बारे होर जानांगे, बट मैं सोच रही हूँ तुहाडे पिंड चलते हैं, पिंड के खेतों में छोटिया छोटिया गलिया में जाके चलते चलते सैर करते करते गल्लां बातां करते। मैं भी बहुत प्रॉब्लम के पिंड चलिए तो चलिए फिर। हाँ चल चलो। जसी आ कोठी है जेडे मेरे फादर ने पहली कोठी जी पिंड च बनाई सी, पहला सारे हवेली इकट्ठे रहिंदे हुंदे सी, फिर मेरे फादर ने सोचा कि नहीं मैनू अपना घर बनाना चाहिए। सो ये पहला घर है जिहनूं आपां घर कहिंदे आ, कोठी कहिंदे आ, हवेली ते कोठी च फर्क है। ते ये पहली कोठी जिहड़ी फादर मेरे ने बनाई जिथे मेरे फादर दा विआह होया, जिथे मेरे फादर दा वड्डा बेटा गुजरिया, जिथे मेरे फादर ने अनगिनत तसीहे सहे, ये उही जगह जिथे मेरे फादर एक दिन पिंड छड्ड के चले गए यूपी 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਫਟ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰਸ ਪੇਨ, ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਫਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਠੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਗਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ।
लो जी, छोटे जे ब्रेक तो बाद पिंडा विचों पिंड विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। ते अज अपने खूबसूरत पिंड दी सैर करा रहे ने योगराज सिंह जी। जसिया मेन दरवाजा हुंदा सी, किन्ना सोहणा दरवाजा, हाले भी किन्ना सोहणा दरवाजा ते अपने टाइम ते किन्ना खूबसूरत हुंदा होवेगा। तुसीं देखो इहो जी कढ़ाई ते इहो जे दरवाजे अजकल तां किते मिलदे नहीं, बिलकुल। पर इत्थे खड़े हो के इस तरह महसूस हुंदा है कि किन्ना वड्डा परिवार सी। मेरे फादर मैनूं दसदे सी वी 60 बंदे रहिंदे हुंदे सी, और इह हवेली बहुत वड्डी सी। खैर तां थोड़ा जिहा पोर्शन रहि गिआ जिथे 60 बंदे की रोटी बनती सी। और कहते जेडे मेरे ग्रैंड मदर सीगे 40-50 मझां की धार कढ़ के वड्डा सारा चाटी हुंदी सी। कहते जब चलाउंदी हुंदी सी तां उह 10-10 बंदे नूं ढाल दी कहिंदी तकड़ी हुंदी सी। ऑब्वियस मैंने 7-8 शी हैड 9 चिल्ड्रन ऑल्सो। पर मैं समझदा वी इहो जिहियां यादां ने जिहड़ी जिंदगी शायद दुबारा इस जन्म दे विच बंदे नूं देखण नूं ना मिलन। उत्ते इक चबारा जिथे मेरे फादर पैंदे हुंदे सी, तां मेरे फादर कहिंदे मैं घोड़ी थले खड़ी कर देनी, तो रस्सी क्योंकि ग्रैंडफादर बड़े स्ट्रिक्ट हुंदे सी, तो मैं जाणा तां घोड़ी बाहर खड़ी हुंदी सी, रस्सी तो रात नूं निकल 11-12 बजे तां उहनां ने अड़दी की मारनी खराब हो गया। गुरुद्वारा है जिन्हों मंजी साहब कहते हैं, इतिहास कहता कि दसवें पातशाह इतने आए थे, इतने उन्होंने घोड़ा नहीं दिता किसी ने, उन्होंने घोड़ा चाहिए जो माछे हुए जंगल गए। फिर इतने मरासिया का एक परिवार है, जिस मरासिया के परिवार चो मेरे फादर की भैन बनी कोला ना दी, उन्होंने परिवार चो फिर उन्होंने दसवें पातशाह खच्चर दी जिसे बैठ के गए उसका पीर बने। अच्छा, तो इतने खूह भी है जिसका पानी बड़ा कौड़ा सी, फिर गुरु साहब ने मिठा किया, अजे भी वह पानी बड़ा मिठा। चलो मत्था टेक जी, जी। ये भी एक बड़ी माण वाली गल है कि इतने दसवें पातशाह का पैर पिया। देखो कहानी कितों चलती है, बिल्कुल जी। भाई जोगा सिंह छोटे होंदे पर रहे, फिर उनका परिवार चलता आया, फिर वही दसवें पातशाह इतने आके भी गए जी, जी। है जी, सो मैं समझता भी जी कड़ी है पहले तो हुण तक अगर असीं गल करिए, किन्ना को बदलाव तुसीं महसूस करदे हो इस पिंड विच, की नवा नवा आया, की नवीं चीजां, नवीं डिवेलपमेंट्स, उपलब्धियां की ने इस पिंड दीआं? इक तां जिहड़ी बहुत इंपोर्टेंट गल है बीबा जी, उह है वी पिंड च सीवरेज पै गया सारे, जिहड़ा कि अक्सर पिंडां च नहीं हुंदा। एक इत्थे प्लांट लग्गिआ जिहड़ा पानी नूं प्योरीफाई करदा, और होर सारीआं बहुत सारी डिवेलपमेंट हो रहीआं ने। और मैं समझदा मैनूं इस चीज़ का बड़ा माण है, जिहड़े इत्थे सरपंच ने मेरे चाचा जी दे लड़के जीतपाल सिंह, प्लस जिहड़ी पंचायत है, प्लस जिहड़े लोग ने पिंड दे मिलके, उन्होंने इस पिंड नूं बहुत संभालिआ। कम जे तुसीं दूजे पिंडां दे नाल इहनूं आपां देखिए या कंपेयर करिए, तां मैनूं इह महसूस होया अज इत्थे आ के, क्योंकि मैं बहुत सालां बाद आया, कि पिंड ने बहुत तरक्की की है। और पिंड च इह नहीं है कि तूं कौन की कर रिहा ते मैं की कर रिहा, इस पिंड दे विच सारे जो भी है अपना पिंड समझ के सारे तरक्की करने लगे हुए हैं। समझदा इस तरह ही होना चाहिए जे कोई चीज आप संभाल के रखिए, और जिहड़ा विरसा आप संभाल के रखना चाहिए वह कल्ले बंदे तो नहीं संभाला जाता, वो सारे पिंड दे मिलके संभाल दे तां उस पिंड की जिहड़ी चीज हैगी संभाली जा संभाली जा सकती है। अच्छा योगराज जी, तुसीं सारा पिंड विखाया, अलग अलग जगावां ते तुसीं लैके गए, लेकिन आपां एक्टिंग दी गल नहीं कीती, तुहाडे एक्टिंग करियर दी गल नहीं कीती। एक्टिंग करियर तुहाडा बहुत अच्छा रहा, लोगों ने तुहानू बहुत प्यार दिता, बहुत तुहाडे फैन्स अज भी ने जो वर्ल्ड वाइड बैठे हुए ने तुहानू प्यार करते ने, तुहाडे नाल जुड़े ने, वो जिन्हें भी फैन्स ने उन्हां नू तुसीं अज की सुनेहा देना चाहो? एक सुनेहा मैं सिर्फ ये कहना चाहना कि खुदा दे बंदे हो, जे तुसीं नाम नहीं जपदे, पाठ नहीं करदे, उस पिता परमेश्वर जी ने थोनू इस धरती ते भेजिया, तुसीं उहदा शुकराना नहीं करदे, तां जिंदगी दे विच फिर जिहड़ियां मुकद्दर दियां लकीरां तुसीं कहिंदे हो वी मेरा मुकद्दर ठीक नहीं, कदे बदल नहीं सकदा। और मेरे जज्बात इदां दे ने कि जिहड़ा बंदा रब दा नां नहीं जपदा, पाठ नहीं करदा, पूजा नहीं करदा, मैं उस बंदे कोल बैठ के राजी नहीं है। बीबा जी बेशक वो मेरी वाइफ है, या मेरे बच्चे ने, या मेरे रिश्तेदार ने, या मेरे दोस्त ने, और एक गल मैं जरूर कहना चाहवांगा, तुसीं जो मर्जी करो और करके देख लियो,
जब तुसी परमात्मा नूं हाजर नाजर रख के हर काम करदे हो सिर ते लैके शाम तक उन्हूं याद रखदे हो ते थोड़े लिखे हुए मुकद्दर भी बदल सकदे ने। उकत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरनी लाग सर्ब जी है जाके हाथ कदे न विछड़े सबके साथ उपा छोड़ गौ तिसकी ओट निमुख में होवे तेरी छोट सदा निकट कर तिसको नौजान प्रभ की आज्ञा सतकर मान गुर के बचन मिटावे आप हर हर नाम नानक जप जा आही खजाना आही सारा कुछ है। जे एक बंदा करदा है तो ओदी जिंदगी प्रफुल्लत है, नहीं तो जिहो जिहा मरिया जिहो जिहा जम्मिया लख भर आया लख भर गया कोई फायदा नहीं। मैनूं लगदा इन्ना सोहणा सुनेहा तुहाडे वर्गा इंसान ही दे सकदा जिहड़ा दिलों भी सोहणा है वैसे भी सोहणा है ते उहने अपने पिंड नूं अपने आस पास जिन्ने भी लोग ने अपने फ्रेंड्स नूं अपने फैनस नूं संभाल के रखिया ते उहनां नूं भी उन्ना ही प्यार करदा है जिन्ना परमात्मा नूं करदा है। योगराज जी तुसीं अज साडे इस प्रोग्राम विच जान पा दित्ती, इन्ना सोहणा तुसीं सोहणे तरीके दे नाल तुसीं सानूं अपना पिंड विखाया, तुसीं साडे इस प्रोग्राम नूं ते अपने पिंड नूं होर अमीर कर दित्ता। अज पूरी साडी टीम दी वल्लों पिंडां विचों पिंड दी टीम दी वल्लों असीं तुहानूं तहे दिल तों शुक्रिया अदा करदे हां, थैंक यू सो मच टाइम कढ़न दा ते साडे इस प्रोग्राम विच साडे अपने पिंड दी सानूं सैर करान दा, थैंक यू। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, रब तुहानूं चढ़दियां कलां च रखे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। सो दोस्तों ऐसी मुलाकात योगराज सिंह दे नाल, तुहानूं साडा अज दा एपीसोड किदां दा लग्या सानूं जरूर लिख के भेजना, तुहाडे सुझाव तुहाडा फीडबैक साडे लई बहुत इंपोर्टेंट है। साडा ईमेल आई डी है pindpind@znetwork.com। अगली बार एक होर शख्सियत दे नाल मैं जस्सी तुहाडी मुलाकात करावांगी, तद तक मैनूं दिओ इजाजत।